मौलाना फजल रहमान कहते हैं हुकूमत मीनारे पाकिस्तान ग्राउंड को डैम बना रही है, कुछ भी हो जाए लाहौर का जलसा होकर रहेगा। हुक्मरान जमहूरियत नहीं आमरियत का मोहरा है। एक तरफ कहा गया हुकूमत जलसा नहीं रोकेगी, अगर रोका गया तो दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। 13 दिसंबर का दिन तारीखी होगा। पीडीएम के अहम इजलास के बाद सरबरा अपोजिशन इत्तेहाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की अहम बैठक, मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी के तहफुजात दूर करने में नाकाम। सबसे पहले पीडीएम के ऐलान शुदा शेड्यूल पर अमल दरामद किया जाए, पहले इस्तीफे दिए तो फिर हुकूमत पर दबाव को बढ़ाने के लिए दीगर ऑप्शन मुश्किल होंगे। असेंबलियों से इस्तीफे आखिरी कार्ड होना चाहिए, पीपल्स पार्टी का मौकफ। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान और सहूलतकारों को घर भेजने के लिए निकले हैं, तमाम ओपोजिशन जमातें एक पेज पर हैं, हमने इस्तीफों का भी कहा था, हुकूमत को घर भेजने के लिए हर हरपा इस्तेमाल करेंगे। पीपल्स पार्टी की सियासत सड़कों पर ही शुरू हुई थी, सीईसी मीटिंग में एतजाज अहसन का मौकफ लेंगे। मरियम नवाज कहती है अरकान असेंबली के इस्तीफे पार्टी क्यादत के पास जमा होंगे, लाहौर जलसा हर हाल में होगा, मौजूदा हुकूमत हमारे मंसूबों पर तख्तियां लगा रही है, उन्होंने तो अभी तक एक ईंट तक नहीं लगाई। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं नेशनल डायलॉग से पीछे नहीं हटा, सियासी डायलॉग की बेहतरीन जगह पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूं, जमहूरियत तब चलेगी जब मुकालमा होगा। ओपोजिशन का सिर्फ मुकदमात खत्म करने पर जोर है, करप्शन के मुकदमात खत्म नहीं किए जा सकते। नवाज शरीफ, इसहाक डार और उनके बच्चे मुल्क से भागे हुए हैं।